हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। जो मार्केट में जो पैकेट अवेलेबल होता है उससे हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, इसमें तो ऑलरेडी सब रेडीमेड आटा आता ही है, तो इसका हमने मिक्स कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने मिक्स कर लेना है, जिसमें कि हमने आटा में पानी, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी एक चम्मच घी, ऐसे हमने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, इसको हम अच्छे से रगड़ लेते हैं। उसके बाद इसके छोटे छोटे गोले बनाने हैं हमने। ध्यान रखें कि आटे को इतना भी ना रगड़े कि वो ज़्यादा हार्ड हो जाए और आपके गुलाब जामुन जो है वो ज़्यादा फूले ना। ठीक है, तो इसको नॉर्मल रगड़ के ऐसे ही नॉर्मली रगड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद हम इस प्रकार छोटे छोटे गोले बना लेंगे। तो हम फटाफट गोले बना लेते हैं। तो हमारे गोले तैयार हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेसिपी हम यहाँ पर चीनी का पानी यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चीनी का पानी बना लेते हैं। उसमें चीनी के पानी में हम इलायची भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। इलायची का जो पाउडर होता है वो भी हम डाल सकते हैं, या फिर इलायची साबुत होती है उसको कूट के हमने यहाँ पर डाल देना है चीनी के पानी में। चीनी के पानी को, ये हो गया हमारा इलायची के साथ चीनी का पानी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था, तो तेल में हम ट्राई करके देखते हैं कि तेल अपना गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अभी हम जो हमने गोले बना के रखे हुए हैं उन गोलों को हम एक एक करके तेल में छोड़ेंगे। उनको सही से फ्राई कर लेना है गुलाब जामुन को, जो हमने आटा भुना हुआ था उनके गोलों को। तो उसके बाद में आप देख सकते हो पूरा लाल भी नहीं करना, नॉर्मल लाल होते हैं तभी हमने निकाल लेना है। इतने लाल होने के बाद हमने निकाल लेना है। जितने भी हमने फ्राई करके रखे हुए गुलाब जामुन उनको हमने चीनी के पानी के अंदर में डालना है। चीनी के पानी के अंदर में हमने जो गुलाब जामुन फ्राई करके रखे हुए हैं उनको एक एक करके डाल देना है। और इसे पूरी रात हम इसमें डुबो के रख सकते हैं, या फिर 5-6 घंटों बाद हम इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से बनते हैं गुलाब जामुन, और सिंपल सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।